What are polymer classification of polymer on the basis of their structure, on the basis of their source, correct, and on the basis of their polymerization process. तो मोनोमर्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स स्ट्रक्चर एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर कोर. तीन पार्ट हो चुके हैं, याद आ रहा है सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर कोर, चार पार्ट में उसमें डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे पहला है इलास्टोमर. व्हाट आर इलास्टोमर? डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, वहां से हम लोग को देखना है. इलास्टिसिटी जिसमें है वो सभी इलास्टोमर में आएंगे, और इलास्टिसिटी जिसमें है उसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है रबर. बट यहाँ पे हम लोग नेचुरल रबर यूज नहीं करेंगे, बराबर ना? हम ऐसे पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं जो क्या होंगे, कंप्लीटली मैनमेड है, सिंथेटिक है. तो ऐसे कौन से रबर्स हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं ना, जो खोड रबर है वो वाला रबर नहीं यूज करना है. टायर वाला रबर हो गया, बराबर ना? हम लोग कहेंगे हेयरबैंड वाला रबर हो गया, वो सब रबर. इवन हम लोग कहेंगे हैंग्लोज में जो रबर यूज हो रहा है वो सब, दे आर इलास्टिक इन नेचर, करेक्ट? तो इलास्टोमर ये एक टाइप का क्या है? पॉलीमर, करेक्ट? पॉलीमर दैट हैव इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर आर कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टोमर. जिनके पास इलास्टिसिटी है ऐसे पॉलीमर्स क्या होंगे? इलास्टोमर में होंगे. अब इनकी कैपेसिटी क्या है, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज में, क्या लग रहा है? इनका स्ट्रेचिबिलिटी रहेगा बट टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा क्या? अगर मैं एक रबर लेता हूं, बराबर ना, और उसको हम लोग कहेंगे दो कॉर्नर पे बांध देता हूं और उसके ऊपर हम लोग ने गीला कपड़ा सुखा दिया, क्या होगा? नॉर्मल हल्का रहेगा तो शायद वो रुक जाए, थोड़ा बेंड हो जाएगा, बट ज्यादा रहेगा तो गीला रहेगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? टूटने वाला है. मतलब टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है? बहुत वीक है. मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो उनके पास बहुत वीक है. जो मॉलिक्यूल्स है वो दे क्या है? दे बहुत लूजली पैक्ड. इसकी वजह से उनके पास क्या है? स्ट्रेचिबिलिटी. ब्रांच पॉलीमर का एग्जाम्पल याद आ रहा है? मैंने बताया था ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन विद साइड अटैचमेंट. तो उनका क्या होगा? स्ट्रेचिबिलिटी हो सकता है. उनमें हम लोग कहेंगे एक छोटा सा इलास्टोमर कैरेक्टर दिखाई देगा. देखो, दिस पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यस और नो? अब बिकॉज ऑफ दैट दे कैन इजीली स्ट्रेच. अगर मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं तो वो अपना शेप चेंज करेंगे. जैसे ही मैं वो स्ट्रेस क्या करूंगा? रिमूव करूंगा, वो अपने अगेन ओरिजिनल शेप में आते हैं, वो रबर है. आया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? प्लास्टिक की थैली को अगर मैं खींचता हूं तो उसके अंदर भी स्ट्रेचेबिलिटी है कि नहीं? बट छोड़ूंगा तो अगेन अपने नॉर्मल पोजिशन पे, तो वो रबर नहीं है, वो इलास्टोमर नहीं है. इलास्टिसिटी है मतलब क्या? मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करूं तो वो क्या होगा? अपना शेप चेंज करेगा. अगर मैं अप्लाई में किया हुआ फोर्स रिमूव करता हूं तो अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, वही इलास्टोमर है. और उसमें कौन आएगा? रबर आएगा. ध्यान है सबका? क्लियर है क्या ये? तो क्या आएगा? व्हेन इजीली स्ट्रेस अप्लाई द स्मॉल स्ट्रेस एंड रिगेन देयर ओरिजिनल शेप. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्ट्रेस, ज्यादा नहीं खींच सकते, छोटा सा मैंने अप्लाई किया स्ट्रेस तो ही पॉसिबल है. ज्यादा आएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, करेक्ट? तो दे आर वेरी सॉफ्ट, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, हम सभी को पता है. एंड दे आर व्हाट? स्ट्रेची, यस और नो? यूज्ड टू मेकिंग व्हाट? रबर, जिसमें नियोप्रीन है, ब्यूनाइन है, ब्यूनाइस है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है, करेक्ट? ये रबर जो है अलग अलग टाइप के रबर है. इसमें हम लोग सल्फर का परसेंटेज चेंज करके उसका स्ट्रांगनेस थिकनेस इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेचिबिलिटी इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं. आया समझ में? चार अलग अलग टाइप है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? इलास्टोमर. किसे कहेंगे इलास्टोमर? जिसके पास इलास्टिक कैरेक्टर है वो इलास्टोमर है, यस और नो? ये दो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्यूनाइस एंड ब्यूनाइन. एग्जाम में दो मार्क्स के लिए इनका प्रिपरेशन पूछ सकते हैं. प्रिपरेशन नहीं पूछा तो भी एक क्वेश्चन आएगा, राइट द नेम ऑफ मोनोमर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर ब्यूनाइन एंड ब्यूनाइस. क्लियर हुआ?
पक्का याद रहेगा, पहले से कॉपी करो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है फाइबर। नियोप्रीन के बारे में टेंशन मत लो, ये जो एग्जांपल है रबर का, हम बाद में सभी के प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ने वाले तब ये कवर करेंगे। नियोप्रीन का फिर भी अगर आपको नाम याद रखना है तो इट्स अ 2-chloro-butadiene-1,3-diene IUPAC नेम 2-chloro दिख रहा है, सेकंड पे है 1,3-butadiene या फिर इसे हम लोग क्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं कॉमन नेम में। इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके बीच में आएगा, और ये कैसे बनेगा अगर आपको देखना है, एक सेकेंड बता देता हूं मैं आपको। देखो मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CL, CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान है क्या सबका, 2-chloro-butadiene। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा CH2 CCl CH CH2 तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये क्या होगा, एक वैलेंसी बताएगा जो हमेशा हम लोग कहेंगे बनाएगा डायवैलेंट की तरह। तो ये क्या बन गया मेरा रिपीटिंग यूनिट, और इसी को जब हम लोग क्या लिखेंगे N, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नियोप्रीन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स का प्रिपरेशन हम लोग एक साथ एंड में पढ़ने वाले। कौन सा एग्जांपल था, नियोप्रीन, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फाइबर। अब फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते, जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, करेक्ट, टेरिलीन फाइबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं, नायलॉन टी शर्ट, नायलॉन क्लोथ सभी को पता है, नायलॉन रोप में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इलास्टोमर और फाइबर में क्या डिफरेंस है, इलास्टोमर के अंदर इलास्टिसिटी है, फाइबर के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, उसका टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत कम है, बिकॉज मॉलिकुलर हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिकुलर जो बॉन्डिंग है वो क्या है, बहुत वीक है, इसका स्ट्रांग है। एक थ्रेड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर हम लोग कहेंगे, सॉलिड स्टेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या होगा, फाइबर। अगर आपने देखा रहेगा रस्सी, कपड़े सुखाने वाला जो है वो रस्सी जो है वो किसका होगा, नायलॉन रोप, बराबर। हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नायलॉन रोप, वहां पे रबर यूज किया तो इमेजिन करो जस्ट क्या होगा, बराबर ना, ढकेल दिया एक को रबर वाला डाल के, ऊपर से जितने जोर से नीचे जाएगा उतने नीचे से ऊपर जल्दी जाएगा, यस और नो, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, नायलॉन रोप, वो बराबर ना, ट्रैकिंग के लिए, वो अपना वेट, हमारे साथ जो हमने कैरी किया है वो सामान उसका वेट, वो पूरा क्या होगा, वेट कैरी करके टूटने वाला, स्ट्रेचेबिलिटी होता है बट बहुत कम स्ट्रेचेबिलिटी रहेगा, बट क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। देखो क्या लिखा है फाइबर के बारे में, फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच प्रोड्यूस द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन चेन लीड्स टू क्लोज पैकिंग ऑफ चेन And is due to hydrogen bonding. याद रहेगा, अब उसमें है nylon 6 and terylene. ये दो important क्या है polymer जिनका exam में preparation आता है। तो exam में question आएगा how will you prepare nylon 6? अब तक सबसे maximum time पूछा जाने वाला question है how will you prepare nylon 6 or terylene? कुछ specific examples हैं, exam में वही आता है नायलॉन 6, टेरिलिन, उसके बाद अगर हम लोग कहेंगे नायलॉन 6, इन सबके ही प्रिपरेशन बार 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 पूछे, क्लियर हुआ। बहुत कम बार हमें किसी ने पूछा है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फाइबर एंड यूजेस ऑफ फाइबर, अदरवाइज प्रिपरेशन में इन दोनों में से कुछ एक आएगा ही, क्लियर हुआ, याद रहेगा, लिखो फटाफट। टॉपिक नेक्स्ट है, इसमें एक है थर्मो प्लास्टिक एंड दूसरा है थर्मो सेटिंग। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिसे हम लोग अगर हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाएंगे, ओके, क्या बोला मैंने, प्लास्टिक सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और अगर हम लोग उन्हें कूल करते हैं तो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, तो हार्ड ऑन कूलिंग, ये उनका मेन प्रॉपर्टी है, किसका, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, दीज आर द पॉलीमर विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन
कूलिंग मतलब क्या कर सकते हैं उन्हें, मैं उन्हें रीयूज कर सकता हूँ, रिसाइकल कर सकते हैं ऐसे प्लास्टिक, जिन्हें रिसाइकल कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं ऐसे प्लास्टिक हम लोग कहेंगे यहाँ पे आएंगे। दे कैन बी रिमोडल एंड रिसाइकल, दिस प्रॉपर्टी आर बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में, मतलब इलास्टिसिटी भी होगा, इलास्टिसिटी भी होगा बट इलास्टोमर इतना नहीं, करेक्ट, और टेंसिल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा बट फाइबर इतना नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो हम लोग प्लास्टिक का बकेट यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का बॉटल हमारे पास है, ये सब थर्मो प्लास्टिक में आएंगे। बहुत पहले की बात है, आपको पता नहीं मतलब होगा कि नहीं, पहले ना जब प्लास्टिक नया नया मार्केट में आया था, पहले तो मेटल के ही बकेट यूज करते थे, स्टील का, लोखंड का, बरन ना पतरे का, बाल्टी वही होता था, वो हम लोग कहेंगे बाद में, उसके बाद धीरे धीरे प्लास्टिक का बाल्टी आया, उसको लोखंड का ऐसा सलिया होता था पकड़ने के लिए, और उसमें आधा अगर भरा हुआ पानी रहेगा बराबर ना, और वो गिर जाता था तो बीच में बराबर उसको ऐसा कट होता था, बीच में कट होता था, कॉर्नर पे कहीं कट होता था, नीचे से हम लोग कहेंगे ऐसा एक कट होता था, तो क्या होता था पानी लीकेज होना शुरू होता था। अब इतना महंगा ही था वो टाइम पे उनके ज़माने में उनके हिसाब से, कि एक बकेट जो है वो 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, नया नया बकेट लिया है, क्रैक गया, लीकेज हो रहा है, तो नया बकेट ले नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। तो वो टाइम पे एक दिन में ऐसा एक आदमी घूमता था एरिया में, प्लास्टिक बाटली भंगार चिपकाने वाला उसके पास ऐसा एक लोखंड की सलिया होते दो चार बरन ना, और प्लास्टिक के कुछ टुकड़े, वो क्या करेगा उस सलिए को गर्म करेगा और उस डब्बे के ऊपर जहां कट हुआ है उसके ऊपर घुमाएगा, तो क्या हो गया, मैंने उसे हीट किया, हीट किया फिर क्या हो गया, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने का चिपचिपा बनेगा वो, फिर दूसरा प्लास्टिक को कट करेगा, उसे एक साइड से हीट करके उसके ऊपर रखेगा, जैसे हम लोग बैंडेज करते हैं सेम वैसे वो प्लास्टिक के ऊपर रखेगा और उसे हीट करके क्या करेगा उसके ऊपर चिपकाएगा और बाद में पानी डाल देगा, क्या हो गया वो हार्ड हो गया जब मैंने उसको पानी डाल दिया और हीट किया तब वो क्या हो गया सॉफ्ट, सॉफ्ट होने के बाद दो प्लास्टिक एक दूसरे को चिपका दिए और पानी डाल के मैंने उसको क्या किया हार्ड बना दिया, अब लीकेज बंद हो गया, मतलब मैंने क्या किया उसे रिमोल्ड किया, रीयूज किया, ये कौन से हैं थर्मो प्लास्टिक, याद रहेगा क्या, बराबर क्लियर है। ये जो यूज करने वाले हैं जिसमें पॉलीथीन हमारा बैग कैरी बैग वगैरह यूज कर सकते हैं, पॉलीस्टीरीन वगैरह है, पीवीसी प्लास्टिक का पाइप है, ये सभी जो प्लास्टिक हैं ये सभी इसमें आते हैं, जिन्हें हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं, विच आर सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। नेक्स्ट जो है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग ऐसे हम लोग कहेंगे पॉलीमर है जिनका हीट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, दे डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। जैसे कि आपने देखा रहेगा घर पे कुकर है, पैन है जो हम लोग अभी यूज करते हैं, तो उसके साइड में जो हैंडल होता है पूरा कुकर गर्म हो जाएगा, बट फिर भी वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, आया क्या समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा कुकर गर्म हो जाएगा लेकिन वो गर्म होने वाला उसको हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं। दे डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, आया क्या समझ में, लेकिन क्या होता है दे आर वेरी हम लोग कहेंगे ब्रिटल, मतलब कहेंगे कि अगर वो नीचे से ऊपर गिर गया तो कुकर नहीं टूटेगा बट सबसे पहले हैंडल टूट जाएगा, और वो टूटने के बाद अब उसको फेविक्विक से भी चिपकता हो वो नहीं चिपकेगा, वो चिपकने वालों में से एक ही चीज है, उसको नया डालो, रिप्लेस करो, बराबर ना, और वो कौन होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये थोड़े क्रॉसलिंग के पॉलीमर्स होते हैं, क्रॉसलिंग याद आया, लीनियर ब्रांच क्रॉसलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में पढ़ा था, लीनियर ब्रांच एंड क्रॉसलिंग, बैकलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट थर्मोसेटिंग, बैकलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ, कहाँ मिलते हैं ये जो हमारे स्विच वगैरह बने हुए हैं, आ रहा है कि नहीं समझ में, अगर यहाँ पे ये टूट गया तो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, कुकर का हैंडल मैंने बताया टूट गया तो रिप्लेस करना पड़ेगा, दे आर मोर ब्रिटल, लेकिन प्लास्टिक का थैली ऐसा ऊपर से नीचे डाल गया टुकड़े टुकड़े हो गए, पाइप डाल दिया ऊपर से नीचे टुकड़ा टुकड़ा हो गया,
होता है क्या? नहीं, उनका प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? दोनों में फर्क समझ में आया? बट प्लास्टिक के पाइप को गर्म करेंगे तो मेल्ट होगा, उसका शेप चेंज होगा। थैली को गर्म करेंगे शेप चेंज होगा, प्लास्टिक के बॉटल को हीट करेंगे शेप चेंज होगा। आया समझ में? वो सब किस में आएंगे? थर्मो प्लास्टिक। और जो नहीं चेंज करेंगे वो कहाँ आएंगे? तो थर्मिस डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर, हेंस दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड रिसाइकल। दीज आर द क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड हेविली ब्रांच। एग्जाम्पल में कौन सा है? बेकेलाइट। कौन सा है? याद रहेगा ये जो थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग पॉलीमर है उनके बीच में एक डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट जो है आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। थर्मो सेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक में देखेंगे एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या दिया है? दे डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर। कौन सा? यहाँ पे दे सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड दे कैन नॉट एंड यहाँ पे दे हैव 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में बनेगा हेवीली ब्रांच के साथ, ये होंगे लीनियर स्ट्रक्चर, पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, दे आर फॉर्मली कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन से बनेंगे, ये होंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन से, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के हिसाब से। एग्जाम्पल में मैंने बताया था बेकेलाइट आएगा, यहाँ पे PVC आएगा, पॉलीथीन आएगा, दे आर मोर ब्रिटल, मैंने बताया था गिर जाएगा टूट जाएगा, ये नहीं। क्लियर है? लिखो। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है, दो मिनट। एक लास्ट है जो हम लोग कहेंगे बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसमें पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमर जो है उसी को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसी को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने एडिशन और कंडेंसेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि एक होता है को एडिशन और को कंडेंसेशन, दूसरा होगा होमो एडिशन एंड होमो कंडेंसेशन। अगर सेम मॉलिक्यूल के साथ में ऐड कर रहा हूँ तो उसे हम लोग होमो कहेंगे, दो अलग अलग रहेंगे तो वो को कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। उतना ही डिफरेंस है जो इसमें भी आएगा। क्लियर हुआ? याद रहेगा, पहले इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन रिएक्शन, जितने भी हमने अभी तक पढ़े जरा एक बार याद करके बताओ कौन सा था। एक पॉलीथीन, दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑर्लॉन टेफ्लॉन, ये लीनियर में है, ब्रांच में भी हमारे पास है, जैसे नियोप्रीन रबर में आएगा, ब्यूनाइन ब्यूनाएस, नाइलॉन 6 नाइलॉन 66, बेकेलाइट नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये भी कुछ पॉलीमर, टेरिलीन फाइबर। तो जितने भी हमारे पास पॉलीमर्स हैं उन सबका प्रिपरेशन हम लोग वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान है सबका? किसी को डाउट? इतना कॉपी करो पहले। चलो